सो गाइज आज के सीन्स कुछ इस तरह हैं कि आज हाफ सब आ रहे हैं हमारी तरफ। रेडी नहीं था तो मैंने कहा कि आप सब मैं अपनी देर में रेडी हो जाऊंगा, आप मेरी देर फाले। तो बाकी मुद्दे की बात ये है कि आज हम लोग इस जगह पे जा रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी जगह है, कसूर की बहुत ही पुरानी जगह है, पाकिस्तान बनने से पहले की जगह है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लग रही, आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर मारना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ये जो लाल कलर का बटन आपको नजर आ रहा है ना नीचे, इसके ऊपर आपने लेट जाना है। ओके, लेट जाना है फुल चस्क रहा है। इसके ऊपर एसी भी लगा हुआ है, वो ठंडी हवाएं भी आएंगी इसमें से, तो जल्दी से इसके ऊपर लेट जाए। सो गाइस हाफ साहब आ चुके हैं, तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी बताएंगे हम कि जा कहाँ रहे हैं। हाँ जी आप सब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब गायब ही रही है, बस ये मुलाकात बस। चले आप इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी क्योंकि आप सब को, तो अभी चलते हैं बिना मकसद आए के। चलो ये आप सब फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे कि हम लोग किस जगह पर खड़े हुए हैं। आप सब बताएं। गाइस हम इस वक्त कसूर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान जो था वही यही था कि कसूर का जो रेलवे स्टेशन है इसको कैप्चर किया जाए, और क्योंकि ये बहुत ही पुराना बनाया गया है, इसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कितने सौ साल पुराना है। और आप इसका व्यू भी आपने देखा है, आप इसकी जो इमारत है वो भी देख सकते हैं कि वो अंग्रेज दौर में बनाई गई थी शायद। चले आए गाइस अंदर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसा व्यू है। सो गाइस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये मुसाफिर खाना है और ये काफी पुराना बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना ज्यादा पुराना है, और इसकी हालत चेक करें। कहने को तो ये मुसाफिर खाना है लेकिन बिल्कुल फारग है। अब ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सारी इसकी छत जो है वो लोहे की बनी है, और लोहा आपको पता है कि चंद साल निकालता और उसके बाद खराब हो जाता है, और जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी बड़ा ज्यादा आता है। हाँ ये पुराना किसी दौर में टिकट घर था आप समझ सकते हैं था। हम लोग कसूर जंक्शन पे आ गए हैं, अंदर आ गए हैं बल्कि कसूर जंक्शन के, और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये दो लाइंस बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ से एक लाइन पे ट्रेन आती है और दूसरी लाइन पे जाती है, और बेसिकली ये पाकिस्तान का सबसे पुराना जंक्शन है। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये टिकट घर है, यहाँ से लोग टिकट लेते हैं और अपने सफर की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको करीब से जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं और किस जगह पर जाती हैं और यहाँ पर किस किस शहर की टिकटें मिलती हैं। तो आइए हाँ जी, ये ख्वातीन का हिस्सा है और ये मर्द हजरात का हिस्सा है, और ये टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पर। फिर वक्त जो है वो सिर्फ एक ही ट्रेन आती है और ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको भी ना नज़र आ रहा हो। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और हादसा मेरे साथ हैं। हादसा कह रहे थे कि बाकी जो मंजर है आपको वो भी दिखाएं, तो बिना वक्त आया कि अभी उसकी तरफ जाते हैं। अब यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसा मंजर है और बाद में आपको करीब जा कर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं ये पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, ये पुल है क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ से ऊपर जाके दूसरी साइड पे। अभी हम लोग जाएंगे, हाँ जी अभी हम लोग जाएंगे उधर। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल नंबर 1, स्टॉल नंबर 2 और 3। यहाँ पर समोसे पकोड़े बड़े ही जालिम किस्म के मिलते हैं। अब यहाँ पर ना एक और बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदा लगा हुआ है, यहाँ पे सफाई कर रहा है, और ये बड़ी अच्छी आदत है यार। हर बंदा अगर अपना फर्ज अदा करे ना ये सफाई वाला, तो कसूर सिटी में क्या पूरे पाकिस्तान में गंदगी ना हो, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। वैसे मैं ज्यादा सेंटी नहीं हो गया? नहीं आप साहब बिल्कुल नहीं है जी, तुसी ज्यादा सेंटी हो गए। हाँ ऐसा मतलब कि हो नहीं सकता, वैसे बाकी हर बंदे की राय है। पुल के ऊपर चढ़ने लगे हैं और हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ। पुल के ऊपर से भी आपको नज़ारे चेक करवाते हैं,
कैसे कैसे जालम किस्म के नजारे हैं यहाँ पे। हाँ सब बाकी गलत नहीं, गलत हवा बड़ी प्यारी चल रही है, हवा बहुत ही मजे। ये मेरे बाल आप देख सकते हैं यहाँ से कितने उड़ रहे हैं इस तरफ को। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हवा इस तरफ से आ रही है, ये देखते हैं कैसा है फिर। अच्छा नजारे चेक करें, ये नजारे चेक करें, हाय हाय हाय। ये इस तरफ भी शहर है और दूसरी तरफ भी शहर है और ये जंक्शन, इस तरफ से ट्रेन आती है और इस तरफ से जाती है। कसूर जंक्शन की हिस्ट्री आप सब बताएंगे, आप सबको बड़ी बेहतरीन तरीके से पता है। गाइस मुझे इतनी ज्यादा नहीं पता, असान अली ऐसे सेंट्रियों पे छोड़े और असान अली की बातों पे आपने नहीं जाना। मैं कसूर के ये जो रेलवे जंक्शन है इसकी हिस्ट्री को पढ़ रहा था। जंक्शन इसे कहते हैं जहाँ पे रेलवे जो ट्रैक है वो आगे नहीं जाता, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और वहाँ से ट्रेन को वापस मोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले ट्रेन यहाँ से अमृतसर, फिरोजपुर और इन सारे इलाकों को कवर करते हुए मुंबई तक जाया करती थी। और जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई यहाँ से जंक्शन को ब्लॉक कर दिया गया और जो कोई ट्रेन्स आती हैं यहाँ से वापस मोड़कर पाकिस्तान के दूसरे शहरों के साथ लिंक कर दी गई। जैसे कि यहाँ से ट्रेन निकलती है जो खुड़िया, मंडी उस्मान वाला, कंगनपुर, बसीरपुर ऐसे दूसरे इलाकों को कवर करते हुए जो कराची तक जाती। और ये जो रेलवे ट्रैक है ये बहुत ही बड़ा है, आप चेक कर सकते हैं कि कसूर और कराची का डिफरेंस मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बहुत सारा तकरीबन जो है ना 13 से 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 13 से 14 किलोमीटर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 1400 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है ये कसूर से कराची तक को कवर किया जाता है। और ये अंग्रेज दौर में ही रेलवे लाइन बिछाई गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया 1906 में ये जंक्शन तमीर किया गया, तो जाहिर सी बात है इसे अंग्रेज़ों ने ही तमीर किया और ये अंग्रेज दौर में बनाया गया, इसलिए हमने कहा कि ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़बरदस्त लगी होगी, तो इसी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर बैठ जाएं, सब्सक्राइब बटन के ऊपर लेट जाएं। अभी अभी ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, तो मर्जी करें। आए, क्या बात, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए जी। गाइस बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बात कर रहे हैं हम लोग, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वीडियो के आखिर पे अल्लाह ताला हम सब का आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। सब खत्म कर देती है, और बनानी है, अभी नहीं जाना, नहीं आली नहीं मुकी, आली नहीं मुकी, आली गाइस, गाइस मुझे फोन आ चुका है तो मैं चले बाकी मजीद कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाने की। हाँ जल्दी से जल्दी जितनी हो सकती है आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं ना, इस जगह पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी हवा चल रही है, थी नहीं चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये दरख्त जो लगा हुआ है ये उड़ रहा है, इसके पत्ते उड़ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। गाइस टाली का दरख्त है, बड़ी मजेदार हवा है, दिल नहीं कर रहा कि घर को वापस जाएं, दिल कर रहा है कि बंदा सो जाए। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन के नीचे चार पाई बिछा लें और यहाँ पे लेटे रहें। रीजन ये है कि मेरे घर के जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है वो खराब हुआ पड़ा है और अरसलान अली के घर का जो ट्रांसफार्मर है उसका मुझे नहीं पता पड़ा। नहीं भाई साड़ी बत्ती आ रही है फाइनल। हाँ जी साडा घर जेड़ा ना पाकिस्तान तो बाहर है थोड़ा जहा, उसे बत्ती आंदी रहती है। अल्लाह से दुआ करते हैं भाई इनके यूट्यूब वाले अच्छे सारे पैसे दें और बड़ा सा ट्रांसफार्मर लेके आके मैं अपने मोहल्ले में अपना ही नसब कर लूं, नसब ना करूं नहीं तो मैं अपना जनरेटर ले आऊं। तो पैसे तब ही आएंगे जब आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो करोगे ना पाजी? कर दो तारी मेहरबानी है। अच्छा बात अब इस तरह है कि ये हमारे पीछे जो आप लोग डब्बे देख रहे हैं ना, ये बड़े पुराने, कम अज कम 30-40 साल पुराने डब्बे हैं। लास्ट में आपने सुना होगा कि ट्रेन में आग लगी थी, ठीक है, उस ट्रेन का एक डब्बा भी यहाँ पर है, हम आपको वो भी दिखाते हैं और ये भी अंदर से दिखाते हैं कि ये इनके अंदर क्या क्या माहौल है और रात को पता नहीं की कुछ होता है। ना ना ऐसी बातें नहीं करते, प्राइवेसी। नहीं नहीं टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। सो गाइस ये वो डब्बे हैं और वो अल्लाह अकबर, आप सब है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेनें गल सड़ चुकी हैं और ये सारा जो क्रेडिट है गलने सड़ने का
वो पीटीआई हुकूमत के साथ साथ नून लीग हुकूमत को भी जाता है और सॉरी पीपल्स पार्टी का भी किरदार है। और ये देखें लोगों ने अपनी बकरियां बांध दी हैं इसके नीचे छांव के लिए। ये देखें ये ट्रेन को आग लगी हुई है, ये अरसान अली अगर दिखाए तो। और मैं हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा रा हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट है रेलवे वाला इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये एक आम आदमी और गरीब आदमी इस पे बहुत अच्छे से ट्रेवल कर सकता है। आप सब इतनी ताकत आ गई मेरे देखो ट्रेन दी डब्बे लड़े ने चेक करो चुकी है इनकी बॉडियां गल सड़ चुकी हैं। नहीं इनका कुछ देखो इनका कुछ मटेरियल जो है वो लोगों ने उतार के बेच छोड़ा होगा। हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना उसका नजारा आपको चेक कराते हैं क्योंकि चारों तरफ धूप है अभी। ओहो सब ठंडी आ रही है, अब चारों तरफ धूप है तो हम लोग सांस लेने के लिए भाई ये डब्बा है और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी आज 46 तक टेम्परेचर जाना है और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा ठीक है ना। और बाकी ये चेक करें बो वजनी है पाजी बो वजनी है सब है गड्डी गल एक हाथ ना ला लिये तकरीबन हर चीज आपको दिखा दी गई है। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है इस वजह से आप देख सकते हैं कि मुझे पसीना बड़ा ज्यादा आ रहा है। और आज की वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। गाइस गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब हमें इमली आलू बहारे के शरबत की जरूरत है। तो शरबत इमली आलू का बहारे का तब ही पियेंगे जब YouTube पैसे देगा, एहतजाज होगा। पकड़ मेरे को जानता नहीं, एहतजाज होगा जब रमन एहतजाज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हंगामी एहतजाज होगा। तब तक हम इमली आलू बहारे का शरबत नहीं पियेंगे जब तक YouTube हमें पैसे नहीं देगा। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है तो वीडियो हम बनाते रहेंगे, वो परेशान नहीं होना आपने क्योंकि ये पैसों के लिए नहीं कर रहे। सही सीधी सी बात आपको बताया ना, एंजॉयमेंट यार ये हमारा एंजॉयमेंट है ठीक है। टाइम मिलता है थोड़ा सा जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं यार। तो इसके साथ साथ वीडियो भी बन जाती है और आप लोग भी देख लेते हो। वीडियो के आखिर पे वही अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, वही पुरानी लाइटें बाकी फिर आपको याद हो चुकी होंगी। अब आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी लाइनें हैं वो। हाँ जी आप लोगों ने लाजमी बतानी है, बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।